आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति की शिकायत पर सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने 16 मई को आईपीसी की धारा 308, 341, 354 बी, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे एम्स में उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाते हुए FIR में कहा कि उन्होंने पहले दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख के तौर पर काम किया था। पूरा जीवन उन्होंने महिलाओं के मुद्दे के लिए काम किया, लेकिन उन्हें बुरी तरह पीटा गया। वह भी एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे मैं काफी समय से जानती हूँ। FIR में उन्होंने कहा कि इस व्यवहार से काफी परेशान है। उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को स्वाति मालीवाल को 30,000 कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनका बयान दर्ज किया गया। स्वाति ने FIR में यह आरोप लगाया है कि CM आवास पर विभव कुमार ने उनके साथ लगातार मारपीट की। मालीवाल ने दावा किया है कि वह मदद मांगती रही, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। उन्होंने FIR में बताया कि उनके जीवन का यह सबसे कठिन समय है। FIR में दर्ज बयान में स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि वह 13 मई की सुबह करीब 9 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर कैंप कार्यालय के अंदर गई थी। उन्होंने विभव को फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। वह CM आवास के अंदर गई और स्टाफ को उनके आने के बारे में सूचना CM को देने को कहा। उन्हें बताया गया कि CM घर पर है और साथ ही ड्राइंग रूम में इंतजार करने को भी कहा गया। तभी विभव कुमार वहां आकर बदतमीजी करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बीच विभव ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मदद के लिए आवाज लगाने पर भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने घटना की जानकारी देने के लिए 112 नंबर पर कॉल किया। आरोप है कि इस पर विभव ने उन्हें धमकाया और चले गए। मौके पर पहुंचे PCR स्टाफ की मदद से वह ऑटो से सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन पहुंची और SHO को घटना की जानकारी दी। घटना का राजनीतिकरण ना हो इसके लिए वह बिना लिखित शिकायत दिए वहां से चली गई। 16 मई को उन्होंने FIR दर्ज कराई। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को लेकर CM अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची और पूरी घटना का सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने वहां मौजूद स्टाफ से पूछताछ भी की। FSL टीम ने भी वहां से सबूत जुटाए। CM आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस ने गुरुवार रात गैर इरादतन हत्या, महिला के खिलाफ आपराधिक बल के इस्तेमाल समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की है। इसी बीच CM आवास के अंदर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मालीवाल को यह कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने पुलिस को फोन किया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि स्वाति पर हमले का मामला अरविंद केजरीवाल को फंसाने की BJP की साजिश है और मालीवाल को इसका मोहरा बनाया गया है। पार्टी ने मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। आपके वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा, स्वाति पहले से समय लिए बिना CM आवास पहुंची थी। उनका इरादा केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाने का था। पूरी घटना साबित करती कि यह BJP की साजिश थी। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर किसी का नाम लिए बगैर लिखा, हर बार की तरह इस बार भी इस पॉलिटिकल हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उसे लगता है कि अपराध को अंजाम देने के बाद अपने लोगों से ट्वीट कराकर और संदर्भहीन वीडियो साझा कर खुद को बचा लेगा। कोई किसी की पिटाई का वीडियो बनाता है भला? आवास के अंदर और कमरे की CCTV फुटेज की जांच होते ही सच सामने आ जाएगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।